चलें जी, अभी करते हैं घर की सफाई। और यहाँ पर देखें इस रूम का कैसा हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि रात को हम यहाँ पर सोते हैं नीचे और अम्मी यहाँ पे सोते हैं। जब वो चली जाती है तो इसको सोफ़ा बना देते हैं और एक बंदा यहाँ पे आराम से लेट सकता है। तो अभी इसकी क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, इस पंखे को भी साइड पे लगाते हैं और बस फिर आपको दिखाते हैं अम्मी का रूम सेट करके। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अम्मी के रूम की सफाई जो है मैंने कर ली है, झाड़ू भी लगा दी है, किचन से भी लगा दिया है। मेरे रूम में तो अभी अबू बैठे हैं, तो वहाँ की सफाई ना मैं बाद में करूँगी। तो बस अभी यहाँ के करते हैं और फ्रेश होते हैं, बस यही हमारा थोड़ा सा काम होता है। और बस अभी फ्रेश होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले होंगे। आज ना उनका दिल कर रहा था पराठे खाने का, तो वो गए हैं बाहर से अपनी फेवरेट जगह से पराठे लेने। तो मैंने सोचा जब तक ना मैं सफाई कर लेती हूँ। तो जी, इतना वेट करने के बाद फाइनली हमारा नाश्ता जो है आ गया है। कहाँ थे इतनी देर? भैया आपने कुछ चीज़ें नहीं बोली थी, मैंने अपने मास्क लाई, वैसे आपने लगाई नहीं गई थी। और आपको अभी गर्मी में दाने निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा ठंडी चीज़ कुछ होनी चाहिए आपके लिए, तो स्पेशली आपके लिए लेने चला गया थोड़ा दूर था। इसके साथ साथ मेरा एक दोस्त नाराज़ था, उसको मैं इतने अच्छे से मिलने नहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसकी शॉप आई थी, वहाँ भी बैठा 2 मिनट सिर्फ बैठा, 2 से 5 मिनट, और डायरेक्ट पराठे लेके आ गया। चले भाई यहाँ पे देखें कितने मज़े के पराठे हैं। घर में तो सबसे पूछ ले, कोई भी नहीं खा रहा, कोई भी नहीं खा रहा। और मैं पराठे ऐसी जगह से लाऊँ जहाँ के फेमस पराठे हैं। और आपकी चाय भी रेडी है, साथ में पानी भी है, तो अभी नाश्ता करते हैं। ठीक है? ठीक है जी, चलिए। गर्मी है तो पंखा चला दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। और आज के दिन का आगाज यहीं से करते हैं, और जितने भी भाई बहन हमें देख रहे हैं जहाँ से भी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत और प्यार देते हैं। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। आज मैं जाऊँगा शादी पे, क्योंकि आज शाम को एक मेरे पुराने कॉलेज के फ्रेंड की शादी है, तो मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। और साथ साथ आज ये अपडेट है कि आज इंशाल्लाह जो है हमारा नीचे का एक फ्लोर भी हमारे जो है ना उनके हवाले से मामला हैं, उनके कुछ आज उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि आज का उनका हैंडओवर करने का दिन था। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ। इस घर में एक हमारे आए हुए दोस्त पुराने, जो हमारी मुलाकात हुई थी शादी में फातिमा की, और अब जाके मुलाकात हो रही है। तो ये भाई आए हुए देखे माशाल्लाह, इसका तो भाई मुझे ये मुलाकात आज हो रही है आपसे, मसरूफ थे कहीं घूम फिर रहे थे? नहीं, बस वैसे घर का पापा के साथ थोड़ा सा काम भी था खेतों का। माशाल्लाह पापा के साथ अभी काम करने लग गए हैं, बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई कराची में बताओ गर्मी ज्यादा है या वहाँ पर? गर्मी तो यहाँ पर नहीं ज्यादा है, गांव में ज्यादा है। गांव में आग लगी हुई है। आग लगी। आप कैसी हो? सुन रही हो गर्मी के हालात? नहीं, कल मेरी मम्मा से बात हुई थी, वो बता रहे थे शायद बारिश वगैरह होगी, अब मौसम पहले से कुछ ठीक है। अच्छा, बारिश का यहाँ एक हफ्ते से सुनो, यहाँ एक कतरा नहीं बरस रहा। नहीं, कल मैं न्यूज भी सुनी थी, बता रहे थे कि आजकल ना 2-3 दिन जो है ना यहाँ पर गर्मी और ज्यादा पड़ेगी। ये बात तो सही है, ये तो ऑलरेडी मैंने मुझे मैंने भी सुनी हुई है, पर बारिश का भी कहा था आपने, जैसा कि मेरा पुछड़ा आपको पसीना आ गया है। ये देखो गाइस, उमर ने नोट किया, आपने जैसे कपड़े पकड़ा आपको पसीना आ गया है। माशाल्लाह यार, फातिमा एक मिनट पकड़ो पकड़ो इसको कैमरा यार, ये चेक करो भाई, ये देखो यार आप तो भाई हो गया लड़के का है। आप इसके साथ खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि ना कोई बच्चा खड़ा है। माशाल्लाह भाई, कर दिल का लिया लड़का। चलो भाई माशाल्लाह, बहुत बड़ा हो गया फातिमा तुम्हारा भाई, और जवान हो गया मैं अभी। टाइम इट्स टाइम। चलो भाई अब ये है कि कुछ खाना पीना कुछ भी चाहिए हो आप मुझे मैसेज करना, मैं आज जा रहा हूँ शादी पे दोस्त की, तो चलना है तो तुम भी चलो। नहीं नहीं, शुक्रिया। नहीं अब वजन ठीक हो गया, मौसम ठीक हो गया जी। हाँ, दुआ करो बारिश हो जाए। होगी, चलो उमर के अलावा दुआ को बोल गए। आए थे मुलाकात करने, आज मेरी मुलाकात होगी आपसे, मैं खाली है, फिर मैं कार के साथ ही घूम रहा था। आपको काम पे जा रहे थे ना? मसरूफ था और 2-3 काम और भी फंसे हुए थे, जिसका आपको शायद फातिमा ने आपको बताया इनको किस चीज का जो काम कर रहे हैं। चलिए आज बैठते हैं, गपशप लगाने थोड़ा सा। नाश्ता कर लिया आपने? मैंने तो नाश्ता कब का क्या हुआ। माशाल्लाह ये तुम्हारी रूटीन में गाँव वाली सुना, 5-6 बजे
चलो उमर आप रेस्ट करो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। तो जी कपड़े मैंने प्रेस कर लिए और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं फिल्टर से पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनको टेंशन रहेगी। अभी फिर आएंगे, तैयारी शारी करके फिर जाएंगे अपना शादी के लिए। शादी का आज फंक्शन है तो उन्हें दूध जाना है उनके लिए। यहाँ पे देखें कपड़े मैंने उनके रेडी करके रख दिए हैं। तो उनके आज ना मुझे लगता है वाइट ड्रेसेस की थीम है, इनके सब दोस्त वाइट ड्रेस पहन के आ रहे हैं, तो ये भी आज अपना ये वाइट कुर्ता पहन के जा रहे हैं। तो बहुत गर्मी थी तो मैंने सोचा मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और मैंने अपने ये ऑरेंज और वाइट निकाला है। तो मैं तो अभी फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं जाना, बाकी मेरे हस्बैंड आएंगे, उनका मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। बस इसके साथ ना मैचिंग कोई कोट निकालना है, मतलब बास्केट, तो देखते हैं कौन सा मैचिंग होगा, इस गर्मी में उनके लिए कौन सा कम्फर्टेबल होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए आज हमारे किचन में बन रहा है मटन, जो कि मुझे लगता है बकरे का है शायद। इसको बनने में ना टाइम लगता है, तो जल्दी से इसको अब्बू ने ये रख दिया, क्योंकि जब शाम को घर वाले आते हैं तो उनको भूख लगी होती है। तो अभी सब इसको देख रहे हैं ताकि ये जल ना जाए, इसका पानी कब खुश्क हो जाए पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखें बड़ा ही मज़े का बन रहा है हमारा मटन, और अभी इसको रख देते हैं। मुझे लगता है आज कढ़ाई बनाएंगे शायद, तो अभी इसको भाप के रख देते हैं, इसका पानी सूख जाएगा जब तक। तो गाइस अभी छत पे आई थी क्योंकि यहाँ पे ना इतनी मज़े की हवाएं चल रही हैं, और मुझे लगता है आज आंधी भी आई है, और यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ गए। तुम लोग क्या हवा इंजॉय करने आते हो? खेलने? क्या खेल रहे हो? बैट का है, बॉल का है? बाबा पढ़ाई कर लिया जो बैट बॉल खेलने लग गए हो? ये खेल रही थी आशा, तुम उस पर इल्ज़ाम लगाती हो इतने बड़े बड़े। चलो कोई बात नहीं, दो तो बहन भाइयों खेल लिया करो, बाकी तो छोटे हैं। वैसे तुम लोग घर बहुत गर्मी है ना, चलो अच्छा करते हो छत पे आ जाते हैं, क्योंकि छत पे ना बहुत प्यारा मौसम बना होता है, तो बच्चे भी एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आज कुछ लग रहा है बारिश है, वरना रोज़ की तरह लग रहा आज है, तो बारिश एंजॉय कर लेंगे सब। तो अभी छत पे थोड़ी सी वॉक करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, असर की अजान भी हो गई है। चले अभी रेडी हो गए, बिल्कुल शादी के लिए निकलने गए हैं और तैयार हो गए हैं। मोबाइल चार्ज हो रहा है मेरा, चार्ज पता नहीं कितना हुआ, अभी तो बैटरी लो थी आज मेरी, तो आज मैं काम से गया था वापस आया तो अभी चार्ज वगैरह आया। तो शादी है मेरे दोस्त की, अब वहाँ जाना रेडी हो के, लेकिन जो है ये नहीं जा रही है, आप नहीं चलिए? असल में दोस्त की शादी, तो इसलिए रिश्वत थोड़ा बोल रही है कि अभी जो आने वाली शादियाँ हैं तो वहाँ वो ज़रूर अटेंड करेंगी, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हमारी सारी गैदरिंग जमा हो रही है, ऑफिस वाले भी सारे लोग जो है वहाँ जमा हो रहे हैं जगह पे, और वहीं से हम अपनी अपनी कन्वेंस पे जाएंगे। तो लेट्स सी, अभी हमारा एक इरादा बना है DHA फेसिक्स की तरफ, वहाँ सारे इकट्ठा होंगे। तो अभी जाते हैं यहाँ से, अभी मैंने कोटी छोटी पहनी है और परफ्यूम शर्फ्यूम लगाना है, जाहिर सी बात है, चमक उमक के जाने हैं, वो वेट कर रहे हैं। 7 PM फिक्स पे हमने इरादा बनाया कि वहाँ जमा होंगे। चलिए आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? कुछ भी चाहिए मैं मैसेज कर दीजिएगा, मैं लेते जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे पहले आप मौसम देखें, और साथ में यहाँ पे देखें कौन मौसम एंजॉय कर रहा है। गर्मी में जो है ना जाहिर सी बात है, शादी में थोड़ा सा बनने को मन संवर के जाना चाहिए। आज मेरे है भी बचपन के दोस्त की शादी, तो अभी सारे जमा होंगे हम इंशाल्लाह, अभी कॉल आएगी उनकी, क्योंकि 7 बजे का टाइम था, लेकिन मेरे ख्याल 7:30 बजे ही निकलेंगे सारे। आपका टाइम होने ही वाला है? हाँ, क्योंकि अपने अपने लोकेशन एक बताई हुई कि वहाँ पहुँच रहे हमने, तो अभी जैसे ही कॉल आएगी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, वहाँ से अपने घरों से निकलेंगे। तो एक और गाइज आज ना इनकी वाइट कपड़ों की थीम थी, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, और उन्होंने भी नगर उनको भी दिखा था कि उनकी भी एक वाइट सूट भी उन्होंने पहना है, सामने तो पता नहीं लेकिन दो तीन दोस्तों ने डिसाइड किया वाइट का। वैसे शादी पे वाइट क्यों पहनते हैं? ये वाइट ब्लैक और ब्लू इस तरह नहीं होता, बस जिसका पता ऐसे दिमाग में आया कि वाइट पहने, तो सबने बोला वाइट ही पहनेंगे, अच्छा माइंड में आया उनके। ओके लेट्स सी, क्या पता जाके पता चले क्या सीन है। चलें सही है, अपना ख्याल रखिएगा और आएंगे कभी तो बताएं। तकरीबन एटलीस्ट अभी जाएंगे ना जब से, तो 2.5-3 घंटे लेंगे, क्योंकि बहुत दूर जगह, वहाँ से आने जाने में 1.5 घंटा लगेगा। okay. 2 घंटे वहाँ के लगा लोगे ना, 3.5-3.5 घंटे लगेंगे मुझे। खाना खाएंगे घर पे? शादी भी जाना, वहाँ से ही खाएंगे? ऑब्वियसली पूछने की बात है। ओके तो आप खाना खा लीजिएगा,
रात में अपने का कुछ लेते आ रहे हैं, उनके लिए लेता हूँ, आपको कुछ चाहिए तो आपके लिए भी लेते आऊँगा। चले ठीक है, ठीक है जी, ओके। मुझे मैसेज फॉरन कीजिए, कुछ भी चाहिए हो मुझे मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हूँ, ठीक है जी। चले सही, ये मैंने आज भाई अपना निकाला है अपना शादी का जो सूट है, ये कोट उम्मीद करता हूँ बेहतर ही लग रहे होंगे इसमें, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मच। आपका चश्मा और आपको कोट मैच हो रहे हैं। ऐसा ये मैंने स्पेशली रखा था, दूसरा ब्लैक वाला मैंने ये मैंने रखा था किसके। चले सही है, मैचिंग मैचिंग, ओके। पहुंच गए हम हॉल और सारे ही दोस्त खड़े हैं यहाँ पर माशाल्लाह वेट कर रहे हैं, अभी गाड़ी पार्क करने के एक दोस्त। तो अभी यहाँ पर टाइम से थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि गाड़ी में जो दोस्त था वो लेट हो गया था किसी काम में मसरूफ था। तो अभी चलते हैं अंदर और सभी यहाँ खड़े हैं, अंदर ही जा रहे हैं। चले फिर, जो आया था हमारे साथ वो खो गया था, अब जाके मिला है। अभी सभी जाने का इरादा रखे हुए और सब निकल रहे हैं अपने मंजिल के लिए, और माशाल्लाह खाना बहुत बेहतरीन था, दोस्त की मुलाकात हुई, और अभी किसी तरह की ऐसी बात उसकी शादी है वो मेहमानों में मौजूद था। तो अभी हम सारे इकट्ठा हुए हैं दोस्त यार, और शादी के टाइम की हो, अभी खाना वगैरह खा लिया, तो अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं और दोबारा घर की तरफ रवाना करते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है। हॉल भी अच्छा था, खाना का इंतजाम भी अच्छा था, और अंदर इन्होंने एटमॉस्फेयर भी बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, सभी ने इंजॉय किया।